मैं अपने दादाजी से कहते हुए सुना हूँ कि जो दुनिया छोड़ जाते हैं वो आसमान में जाकर तारे बन जाते हैं। कुछ समय तक तो बस बातें और कहानियाँ जैसी सही लगती थी, पर अब बातें भी सही लगती और कहानियाँ भी सच्ची लगती हैं। हेलो फ्रेंड, मैं शशि शेखर, वेलकम टू ट्रेलर रिव्यू ऑफ दिल बेचारा। सुशांत सिंह राजपूत, ना जाने ये नाम सुनकर कितने चेहरों की मुस्कुराहट बढ़ जाती थी कि एक सीन पे ना जाने कितनों की आंखें नम हो जाया करती थी। घर वाले बताते हैं ये बहुत मन्नत के बाद जन्म लिए थे। सोच लीजिए इन्हें खुदा ने कितने फुर्सत से बनाया होगा। अपने हर मूवी में कुछ ना कुछ सीख देने वाले आज हमारे बीच नहीं हैं। आखिरी मूवी जो 4 मई को रिलीज होने वाली थी, कोरोना महामारी की वजह से डेट को बढ़ाकर 24 जुलाई कर दिया गया। मूवी OTT प्लेटफॉर्म 24 जुलाई को हॉटस्टार डिज्नी पर रिलीज हो रही है। उसकी ट्रेलर आ चुकी है, तो आइए बात करते हैं उस ट्रेलर के बारे में। आपको बता दूँ, इस मूवी के बारे में कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। कुछ लोगों का कहना है द फेमस हॉलीवुड मूवी द फॉल्ट इन स्टार का कॉपीड है। उन गधों को मैं बता दूँ, यह मूवी हिंदी में बनाने का ओरिजिनल राइट मेकर से खरीदा गया है। कुछ भी बोलने से पहले अपने मुंह का बवासीर का चेकअप कराएं। मूवी में सुशांत का साथ संजना सांघी देने वाली हैं। इनको आप हिंदी मीडियम और रॉक स्टार जैसे मूवी में देख चुके हैं। इसमें सैफ अली खान भी हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखेंगे आपको। वो अतरंगी शब्दों के साथ खेलते हुए नजर आएंगे। आपको बता दूँ, ये मूवी के डायरेक्टर मुकेश छाबरा हैं और म्यूजिक दिए हैं गानों के जादूगर कहे जाने वाले यार रहमान। इनको देखते हुए ऐसा लग रहा है ये मूवी हर वो इंसान अपने से रिलेट कर पाएगा जो कभी ना कभी किसी न किसी से प्यार किया हो, खोने के डर से दिल में छुपा रखा होगा। सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी पिछले मूवी छिछोरे में हम लोग को ज़िंदगी जीने सिखाया था और ज़िंदगी के सारे प्रॉब्लम से लड़ना सिखाया था। दिल बेचारा में इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी से लड़ते हुए ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाना है, इसके बारे में बताएं। इसमें सुशांत सिंह राजपूत मस्त मौला अपने ढंग में जीने वाले एक लड़के का कैरेक्टर निभाया है। इससे हम लोग को पता चलता है कितने बड़े हम लोग सितारे खो दिए। करता हूँ आपको ये मूवी पसंद आए और आने वाले समय में ये मूवी को ढेर सारा प्यार दें।